हाय गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के कुछ टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जानेंगे जिसके मदद से आप मैथ्स को चुटकी 2 सेकंड में बनाने का आप एक काबिलियत रख सकेंगे। ठीक है, काबिल बन पाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए 8 का जो सीरीज है यहाँ पर दिया गया है। इसमें 8 जो ये 5 टाइम्स दिया है, इसमें 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम्स दिया गया है इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सीरीज में है या नहीं। सीरीज से तात्पर्य क्या है, ये 1 टाइम्स में है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स में ये दिया गया है इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेना है हाईएस्ट नंबर को सबसे पहले उठाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे जिसमें जो 8 जो है सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुई उसका हाईएस्ट नंबर होगा। तो 8 यहाँ पर जो 5 टाइम्स आया है, इसलिए यहाँ पर जो 5 होगा इसका हाईएस्ट नंबर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 × 5 लिखूंगा, जिसका हाईएस्ट नंबर जितने बार रहेगा उसको यहाँ पर इंटू करेंगे। तो 8 × 5 जो आपका होता है 40 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जहाँ पर आपका जो 4 जो होगा ये अगले में कैरी जाएगा और 0 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे समझ में आपको आएगा। अब देखेंगे 8 × 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 जो है 4 बार आया है, यहाँ पर 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 5 किए थे, यहाँ पर 4 बार आया, इसलिए यहाँ पर 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 32। और ऊपर में जो 4 जो कैरी थे इसलिए 36 हो जाएगा, और 3 जो है फिर से नीचे में क्या हो जाएगा, कैरी जाएगा। अब 8 × क्या लेंगे, 3 लेंगे, कि 8 जो है 3 टाइम्स में है, इसलिए 8 × 3 इट मीन्स 24, और कैरी का 3 मतलब 27 हो जाएगा, और 2 जो है फिर से कैरी आएगा नीचे में। ठीक है, आगे लिखेंगे 8 × 2 करेंगे, क्योंकि 8 जो है 2 बार आया हुआ है, इसलिए 8 × 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16, और ऊपर 2 कैरी है इसलिए इसका हो जाएगा 18। ठीक है, अब 1 जो है फिर से अगला जो है ये कैरी में जाएगा। अब 8 जो है कितने टाइम्स में फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे 8 1 टाइम्स है, इसलिए 8 × 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर कैरी जो है उसको मिलाकर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको कैसा पता चलेगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आपको नीचे से ऊपर लेना है, ध्यान देना है, नीचे से ऊपर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 9 8 7 6 एंड 0। मतलब आपको जो यूनिट जो है, जो इकाई अंक है, उसी को आपको लेना है और वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 जो दिया गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 4 जो है सीरीज में है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 टाइम्स में, यहाँ पर 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स में है, ये 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स में, मतलब ये सीरीज में है, इसलिए हम इसको, इस फार्मूला को, इस ट्रिक को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर लेंगे, हाईएस्ट नंबर कितने टाइम्स में है, ये 5 टाइम्स में है, इसलिए 5 करेंगे। यदि 6 टाइम होता तो 6 करते, तो यहाँ पर 5 टाइम्स है, इसलिए 4 × 5 करेंगे, तो आपका आंसर होगा 20 होगा, जहाँ पर 2 जो है अगले में कैरी जाएगा। अब 4 की बार 5 की बार कितना टाइम्स है ना, ये 5 टाइम्स था, तो 5 × 5 किए, ये 4 टाइम है, तो 2 का करेंगे हम लोग 4 करेंगे, तो 4 जो 16 होता है, ऊपर कैरी 2 है इसलिए हो जाएगा 18, और नीचे 1 फिर से कैरी जाएगा। अब देखते हैं कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स, तो 4 × 3 लेंगे, तो 4 × 3 = 12 होगा, कैरी को मिलाएंगे 13 हो जाएगा, और 1 जो है फिर से कैरी होगा। अब 4 × 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स में है 4, इसलिए 4 × 2 = 8, और कैरी को मिलाएंगे तो हो जाएगा 9। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ हमको, हमारे पास कुछ कैरी नहीं बचा हुआ है, तो जहाँ पर कैरी नहीं बचेगा उसको हमको नहीं लेना है। अब बचा हमारे पास 4 1 टाइम्स है, इसलिए 4 × 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको जो आंसर जो नीचे से ऊपर लेना है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 49380। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम लोग इसी तरह से कुछ क्वेश्चन को डेसिमल के फॉर्म में लेकर चलेंगे, यदि एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका डेसिमल के फॉर्म में। अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये भी है, सीरीज में दिया हुआ है, इसमें 6 जो है सबसे 1 टाइम्स में आया है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 4 टाइम्स है, इसमें 5 टाइम्स है, अर्थात हमारा जो ट्रिक्स है यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे पहले लिया था,
है ना। तो इसमें भी हम सबसे पहले हाईएस्ट नंबर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 0.6 है, जो कि कितने टाइम्स आया है, 8 टाइम्स आया है, इसलिए यहाँ पर 6 इंटू 1 करेंगे, 6 वन जो आपका 6 हो जाएगा, अब 2 टाइम्स है इसलिए 6 इंटू 2 करेंगे, इट मीन्स 12 हो जाएगा, 12 का 1 जो है कैरी चला जाएगा, अब यहाँ पर 6 3 टाइम्स में आया है इसलिए 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 3 जो 18 होगा, कैरी का 1 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 1 फिर से कैरी जाएगा, 6 कितने टाइम्स से यहाँ पर 4 टाइम्स में है इसलिए 6 4 जो हो जाएगा आपका 24, और कैरी का 1 मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, अब कैरी आपका 2 फिर से होगा, है ना। यहाँ पर 6 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में है, ठीक है, इसलिए 6 इंटू 5 करेंगे, और 6 5 जो 30 होता है, ऊपर का 2 कैरी मिलाएंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा फाइनल आंसर, मतलब फाइनल क्या किया, जितना टाइम्स थे उतना इसको इनटू किया। अब क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लेते हैं आंसर को, तो सबसे पहले 32 लेंगे, ठीक है, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद 9 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 6 लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे सबसे जो डेसिमल जो है कितने घर के बाद सबसे ज़्यादा घर के बाद में है, ठीक है। यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 घर के बाद यहाँ पर दशमलव है, लेकिन यहाँ पर हमको 4 घर के बाद दशमलव नहीं लगाना है, क्योंकि 4 के मतलब 4 से बड़ा भी ऐसा कुछ हमारे पास जो अंक है, हाँ जो डिजिट नंबर है जिसमें 4 से ज़्यादा घर के बाद दशमलव है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 बार घर दशमलव है, 1 2 3 4 5 बार है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें सबसे ज़्यादा घर के बाद दशमलव रहेगा उसी को लेंगे, मतलब हाईएस्ट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितने घर के बाद दशमलव है, 5 घर के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 5 घर के बाद दशमलव लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.25926 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरह से हम लोग अगला नेक्स्ट एग्जांपल को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, कुछ डाउट होगा तो। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 जो है ये भी सीरीज में दिया हुआ गया है, ठीक है, 7 टाइम्स में, है ना। यहाँ पर देखें सबसे हाईएस्ट जो टाइम्स है कितने बार में है फ्रेंड्स, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स में है, ये 5 टाइम्स में 7 है, ये 4 टाइम्स 7 है, और ये 3 टाइम्स 7 है, ये 2 टाइम्स में है, ये 1 टाइम्स में है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, आपको पता है सबसे पहले हाईएस्ट नंबर को यहाँ पर इंटू मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर आपके पास कौन सा है, 0.7 है, इसलिए यहाँ पर 7 इंटू 1 लेंगे। 1 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 यहाँ पर 1 टाइम्स में आया है, ठीक है। अब 7 इंटू 1 मतलब 7 1 जो 7 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे की कहानी कैसे करेंगे देखते हैं, आगे की कहानी क्या होगा। अब देखेंगे 2 टाइम्स में आया यहाँ पर, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, तो कैरी नहीं लेंगे, यहाँ पर 8 नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार अगला हमें क्या करना, 8 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 7 कितने टाइम्स से यहाँ पर, 3 टाइम्स में है, तो 7 इंटू 3 करेंगे, 7 3 जो 20 होगा, और 21 प्लस 1 मतलब 22 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 2 क्या होगा, 2 को फिर से कैरी कर लेना पड़ेगा, है ना, नेक्स्ट में जाएगा कैरी में। अब देखते हैं 7 कितने टाइम्स से यहाँ पर, 4 टाइम्स में है, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, और कैरी ऊपर का मिलकर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 3 जो है नेक्स्ट टाइम फिर से कैरी में जाएगा, अब लेंगे 5 टाइम्स जो है हमारा 7 5 टाइम्स में है ना, इसलिए हम वो 7 इंटू 5 लेंगे ना, तो 7 5 से कितना 35 होता है, 35 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 38 आएगा। ओके, अब देखेंगे फाइनल आंसर कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि फाइनल आंसर सबसे नीचे से ऊपर क्यों लिया जाता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 8 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका 3 8 ले लिए। अब देखो 3 को कैरी चला गया है, अब हमको लेना रहता है क्या, यूनिट्स लेना पड़ता है, इकाई अंक लेना पड़ता है। इसका इकाई क्या था, 0 था, इसका 2 था, इसका 4 था, है ना, इसका 7 है, तो 7 ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या देखेंगे कि कितने घर के बाद दशमलव है, वो भी सबसे ज़्यादा बार, है ना, इसको देखेंगे। तो 4 घर के बाद दशमलव है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से भी बड़ा हमारा 5 है, तो 5 घर के बाद दशमलव है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी हमको 5 घर के बाद दशमलव लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.80247, जो कि आपका आंसर होगा।
ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह ट्रिक्स पसंद आया होगा। यदि इसी तरह से ट्रिक्स आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर से नए क्वेश्चन और नए ट्रिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।